Dear student, in this video lecture we are going to discuss chemical interactions. Chemical interactions में usually ये topic जो है chemistry का है और इसमें बहुत ज़्यादा हमें depth नहीं पढ़ना, but कुछ basic चीज़ें हैं जो biological point of view से हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि biochemistry में atoms, molecules, electrons इनके म्यूचुअल बिहेवियर के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे फिर हम बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, उनके केमिकल बिहेवियर की स्टडी करेंगे जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से हम बायोकेमिस्ट्री का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। केमिकल इंट्रैक्शन जैसा कि नाम से क्लियर है कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इंट्रैक्ट करते हैं। अब ये इंट्रैक्शंस जो हैं दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग जो इंट्रैक्शंस हैं ये उनको मानते हैं, वो इंट्रैक्शंस आते हैं इसमें जिनमें की बॉन्ड एनर्जी 40 किलो कैलोरी पर मोल से ज़्यादा है। बहुत सारी बुक्स में आपको ये एनर्जी जो है किलो जूल में भी मिल जाती है। तो देखिए, ये कैलोरी जो है अगर आप उसको जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 4.2 जूल से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको सारी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में याद नहीं करनी, बस इनका कन्वर्जन यूनिट याद रखिए कि अगर कैलोरी में आप यूनिट याद कर रहे हैं और कभी अगर ऑप्शन जूल में आ जाए तो कैलोरी वाली वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन किससे कर देना है, 4.2 से। तो आपका अप्रॉक्सीमेट जो है जूल में आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इस यूनिट को 40 किलो कैलोरी में लिया है, अब अगर ऑप्शंस में किलो जूल में लिखा हुआ है तो मुझे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 14 × 4.2 तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 162 या 163 के आसपास जो है वो वैल्यू आ जाएगी किलो जूल में, राइट। क्योंकि किलो कैलोरी और किलो जूल ये दोनों ही जो यूनिट्स हैं ये एनर्जी के लिए यूज कर ली जाती हैं, तो कई बार हमारे सामने इस तरह की एक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस वीडियो लेक्चर्स में हम मोस्टली जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को, इसका मतलब कि हम स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस को ही पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं वीक इंट्रैक्शंस की बात करूँगा, जिसमें कि हम इन डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को पढ़ेंगे, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन, आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, वैन डर वाल इंट्रैक्शन, इन सबको पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल सिस्टम में हम कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, क्योंकि मोर और लेस इन चीज़ों को हम ज़्यादातर केमिस्ट्री में टच करते हैं। लेकिन चूँकि बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो जैसे यार मैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं उसको थोड़ा सा हम टच करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ब्रॉडली देखा कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस वो हैं जिनमें बॉन्ड एनर्जी जो है वो 40 किलो कैलोरी पर मोल से ज़्यादा है, और वीक इंट्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें बॉन्ड एनर्जी 40 किलो कैलोरी पर मोल से कम है। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस में कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड दोनों को स्टडी किया जाता है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, आयनिक बॉन्ड और आयनिक इंट्रैक्शन दोनों अलग अलग हैं। कई बार हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि आयनिक बॉन्ड आयनिक इंट्रैक्शंस एक ही चीज़ है, नहीं। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस में आते हैं, जबकि आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन जो है वो वीक इंट्रैक्शंस में आते हैं। अब हम जो है थोड़ा सा इस चीज़ को स्टडी करेंगे और एक एक करके हम कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड को और बाकी बॉन्ड्स को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है आगे बढ़ने से पहले, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेंथ। अगर इन सारे बॉन्ड में सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो कौन सा बॉन्ड सबसे मजबूत है और कौन सा बॉन्ड सबसे वीक है, ये कभी कभी सी एस ए आर में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको
इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसके बाद आयनिक, राइट, आयनिक के बाद वीक इंट्रैक्शंस में जो है वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो होता है इनको सबसे स्ट्रांग माना जाता है। तो कोवेलेंट, कोवेलेंट के बाद आयनिक, आयनिक के बाद हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक के बाद जो है वो आ जाएगा आपका आयनिक। लेकिन ये आयनिक और ये आयनिक यहाँ कन्फ्यूज करेगा तो मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ। हाइड्रोफोबिक के बाद फिर हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ले लेंगे। और सबसे वीक जो होते हैं वो होते हैं वान डर वाल, राइट। तो सबसे स्ट्रांग कोवेलेंट, फिर आयनिक, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये जो है मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो आपको ये याद रखना है, राइट। अब कोवेलेंट जो बॉन्ड हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, ये क्या है। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें वैसे हमें केमिस्ट्री में जाना नहीं है, लेकिन क्योंकि बिना थोड़ा सा एटम्स की बात किए यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आपने प्रीवियस क्लासेज में या इनिशियल स्टेज में एटम्स के बारे में पढ़ा होगा। तो देखिए ये मान लो कोई एटम्स है ए, राइट, ये कोई एटम है ए और ये कोई दूसरा एटम है बी। केमिस्ट्री में एटम्स के रेस्पेक्ट में कुछ कंसेप्ट होती हैं कि एटम्स कि ऑर्बिट में अगर इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये स्टेबल होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो ये अनस्टेबल होगा। तो उस केमिस्ट्री के जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने दिए हैं उसको यूजुअली एटम्स फॉलो करते हैं। दो एटम्स हैं, दोनों ही एटम जो हैं वो उनके जो शैल होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऑर्बिट जहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वहाँ जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हमारी थियोरेटिकल संख्या है उसके बराबर नहीं है। तो एटम जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर संख्या को अचीव करने के लिए या तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो या तो रिलीज करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे इन दोनों एटम्स के इस बिहेवियर, जैसे ये एटम जो है यहाँ पे दो तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एटम ए जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे और एटम बी जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो अगर एटम ए, केस वन में क्या है, एटम ए जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, राइट। और एटम बी क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, डोनेट इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये एटम ए डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि कमी हुई है इलेक्ट्रॉन के, राइट। दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, एटम बी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो ये तो एक बेसिक सी बातें हैं। अब जब दोनों एटम्स के बीच में ये चार्ज डेवलप हो गया है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड आयन्स के बीच में बनता है। तो ये पॉजिटिव आयन्स था, पॉजिटिव चार्ज वाला एटम, और ये नेगेटिव, राइट। अब ये तो केस एक था, लेकिन जरूरी नहीं है कि एटम ए जो है वो इलेक्ट्रॉन दे। ये इलेक्ट्रॉन तभी दे सकता था, ये सिचुएशन तभी पॉसिबल थी जब एटम ए की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की ताकत,
तो इलेक्ट्रो एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत कम है और एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ये पॉसिबिलिटी तभी थी क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन एटम ए से इलेक्ट्रॉन लेना है एटम बी को, तो एटम बी के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एटम ए से इलेक्ट्रॉन ले सके, और एटम ए के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि एटम बी उससे इलेक्ट्रॉन ना ले पाए। तो कहने का मतलब एटम ए वीक होना चाहिए, इसकी ताकत कम होनी चाहिए, और ताकत को हम नापते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो इस तरह की सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो और एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो। तो ये तो था केस 1, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता दोनों की ताकत जो है वो बराबर हो, जब दोनों की ताकत बराबर होगी तो दोनों फिर ये डिसाइड करेंगे कि भाई हम इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग करते हैं, और जब इक्वल शेयरिंग करेंगे तो दोनों तरफ से जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, और वहाँ पे एटम ए जो है ये भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा और जो एटम बी है ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वल शेयरिंग, और इक्वल शेयरिंग कब करेंगे, जब दोनों की ताकत ऑलमोस्ट क्या हो, बराबर हो, या फिर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो। तो यहीं से दो सिचुएशन पैदा हो गई, या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे या वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। अगर उनकी ताकत में डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक बहुत एटम वीक है एक एटम स्ट्रांग है, तो वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और अगर केस 2 है, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ये कहें ताकत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नेग्लेजिबल डिफरेंस है, तो वहाँ पे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो वो ये है कि भाई केस 1 कब पॉसिबल होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की ताकत। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो यहाँ पे हाई है, अगर डिफरेंस हाई है तो ये कंडीशन होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबल है या बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये वाला कंडीशन पॉसिबल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, नेग्लिजिबल है या फिर लो है आप ये कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ तो देख ली कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो तभी पॉसिबल होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा ना हो या लो हो, और वो इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग के लिए राजी हो जाए। लेकिन अगर इनमें डिफरेंस ज़्यादा है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, है, क्योंकि हम यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड को देख रहे हैं, तो अभी हम उसी की बात करेंगे। कोवेलेंट जो बॉन्ड है यहाँ पे चूंकि इक्वल शेयरिंग होती है, तो जैसे सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन एक एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, हम कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन एटम के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। अब जब इन्होंने इक्वल, चूंकि दोनों सेम एटम हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, दोनों की इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पे अब इनको स्टेबलाइज होने के लिए अगर बॉन्ड बनाना है, ये दोनों क्या करेंगे, इक्वल शेयरिंग करेंगे। इक्वल शेयरिंग का मतलब होता है कि जो हाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल बीच में रहेंगे, दोनों एटम्स के बीच में। अब उससे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एटम्स की स्टेबिलिटी को मैनेज करते हैं इस तरीके से, राइट। तो ये जो है ये इस तरीके से जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये है आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये वाला पार्ट जो है जो मैंने हल्का सा लाइटली कलर कर दिया है, तो ये जो पार्ट है ये है शेयर इलेक्ट्रॉन। और चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इक्वल हुई है और बिल्कुल मिड में है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में इनिशियली ये माना जाता था कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है शेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो
वो बिल्कुल दोनों एटम्स के बीच में होते हैं, राइट। लेकिन बाद में, अब यहाँ तो बिल्कुल वही सिचुएशन थ्योरेटिकली सही है कि बिल्कुल बीच में होते हैं, लेकिन कुछ केसेज में क्या होता है, एक दूसरी सिचुएशन भी पाई जाती है। तो ये समझ में आ गया आपको कि भाई एग्जाम्पल ये वन है, कि मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा उसकी पोजीशन जो है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम्स के एग्जैक्टली बीच में होने चाहिए, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में होते भी हैं। अगर दोनों एटम्स जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, सेम एटम है, तो उनके शेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बिल्कुल बीच में सेंटर में पाए जाते हैं। लेकिन सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे केस दूसरा है, ये एग्जाम्पल टू है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मान लो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन जो है इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन, और जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वाटर में ये जो केस है ये हम ले रहे हैं H2O से। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब ये बॉन्ड बनेगा, क्योंकि वहाँ पे दो बॉन्ड बनते हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है O H H, वहाँ पे मैं एक ही बॉन्ड को उठा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि जो ऑक्सीजन है इसकी कंपेरेटिवली ताकत क्या होती है, ज़्यादा होती है। ताकत कहें या हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहें, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो है दादागिरी कौन ज़्यादा दिखाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा दिखाएगा। तो आइडियली ये इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल यहाँ सेंटर में होना चाहिए था, राइट। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन ने दिया है इस बॉन्ड बनाने में, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया है, तो आइडियली तो ये बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। लेकिन आइडियलिस्टिक चीज़ें यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ टिल्ट हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। तो ऑक्सीजन जब इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा तो ओवरऑल ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि पूरी तरह नहीं खींचा है इसलिए नेगेटिव चार्ज नहीं आया, थोड़ा सा खींचा है, थोड़ा ज़्यादा खींच लिया है इसीलिए पार्शियली नेगेटिव बोलते हैं, और हाइड्रोजन की तरफ से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो पेयर हैं बॉन्डिंग के वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा खींच गए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी ताकत ज़्यादा है, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, और हाइड्रोजन जो है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ताकत इसकी क्या है, कम है। तो ये जो वर्ड हैं इनको एक नॉर्मल अपना जनरल यूज का जो वर्ड है उससे सिनोनिम्स कर लिया करो, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से याद होंगी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बिल्कुल बीच में नहीं रहा है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं रहे दोनों एटम के, एक तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं, जिधर शिफ्ट हुए हैं उधर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, और जिस साइड से शिफ्ट हुए हैं उस साइड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो इससे क्या हुआ है, इफ इन सच कंडीशन, इस तरह की कंडीशन में अगर कोवेलेंट बॉन्ड में ये कंडीशन पाई जा रही है, पोलैरिटी डेवलप, यहाँ पे क्या डेवलप हो गई है, पोलैरिटी डेवलप हो गई है। पोलैरिटी कहते हैं पोलर कैरेक्टर, पोलैरिटी डेवलप इन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल हैं वो पोलर पाए जाएंगे, पोलर का मतलब होता है वहाँ पे थोड़ा सा पोलर बिहेवियर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पाए जाते हैं लेकिन पार्शियल। अब इस पोलैरिटी किस कोवेलेंट बॉन्ड में कितनी पोलैरिटी डेवलप हुई है, अगर मान लो ये सिचुएशन है, तो देखिए हमने कोवेलेंट बॉन्ड में दो सिचुएशन देखी, अगर एटम सेम है तो वहाँ पर नो पोलैरिटी है, राइट। यहाँ पर कोई पोलैरिटी नहीं है और 100% कोवेलेंट है,
लेकिन अगर दोनों मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो वहाँ पे जो है सिचुएशन क्या हो गई, पोलैरिटी डेवलप हो गई। और पोलैरिटी डेवलप जब हो गई तो नॉट 100% जो मॉलिक्यूल हैं वो अब 100% नहीं हो सकता कोवेलेंट नेचर, नॉट 100% कोवेलेंट नेचर। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसकी कोवेलेंट नेचर 100% नहीं रहेगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि पोलर बिहेव, पोलर प्रॉपर्टीज ऑल्सो प्रेजेंट। ये जो पोलर प्रॉपर्टी ऑल्सो प्रेजेंट, तो इस तरीके से ये चीज़ें, जैसे वाटर है, वाटर में आप दिखाते हो पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की तरफ और हाइड्रोजन की तरफ पार्शियली पॉजिटिव। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तो इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे आप पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों दिखाते हो? उसका कारण यही है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होने के कारण वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया है, इधर हाइड्रोजन की तरफ से शिफ्ट हुआ है, तो इधर पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन की तरफ पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। तो आपको ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है कि कोवेलेंट बॉन्ड में अगर सेम एटम भाग ले रहे हैं बनाने में तो कोई पोलैरिटी नहीं होगी, वहाँ पर 100% कोवेलेंट नेचर मौजूद होगी, राइट। लेकिन अगर वहाँ पोलैरिटी में डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर एटम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, एक तो जिधर की तरफ शिफ्ट हुए हैं उधर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिधर से शिफ्ट हुए हैं उधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये चीज़ें आपको कोवेलेंट बॉन्ड में ध्यान रखनी है। क्वेश्चन उठता है कि जो पोलर कैरेक्टर है हाउ टू कैलकुलेट इट, उसको कैलकुलेट कैसे करें? तो यहाँ पर पोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड, पोलैरिटी जो है उसको पोलैरिटी एक्सप्रेस, पोलैरिटी जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं बाय डाइपोल मोमेंट। तो एक टर्म आती है डाइपोल मोमेंट, राइट। तो इस डाइपोल मोमेंट को हम पढ़ेंगे, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो पोलैरिटी को ही, इसको म्यू से दिखाते हैं, राइट। तो जो डाइपोल मोमेंट है ये पोलैरिटी को एक्सप्रेस करता है कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कितनी पोलैरिटी डेवलप हुई है, ये उसको एक्सप्रेस करेगा, राइट। अब अगला जो है वो पोलर डाइपोल मोमेंट को ही देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी डाइपोल मोमेंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये डाइपोल मोमेंट जो है इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इतना तो हमें पता चल गया कि कोवेलेंट जो बॉन्ड हैं उनमें अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में नहीं है, एक तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो वहाँ पर पोलर कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं उसके अंदर। कितने पोलर कैरेक्टर डेवलप हुए हैं उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, हमें उसमें नहीं पढ़ना। लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना ज़्यादा है, या उसमें जो पोलर कैरेक्टर डेवलप हुए हैं वो कितना है, उसको डाइपोल मोमेंट से आप एक्सप्रेस करोगे। तो डाइपोल मोमेंट है इसको म्यू से एक्सप्रेस किया जाता है, और किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर ये पोलरिटी को एक्सप्रेस करता है, तो इट एक्सप्रेस डिग्री ऑफ पोलैरिटी, डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर कितनी पोलैरिटी है ये उसको एक्सप्रेस करेगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, राइट। तो यहाँ पे क्यू जो है वो है चार्ज, जो पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ है चार्ज वैल्यू वो क्या है। तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो आप कोई भी चार्ज लीजिए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। डी जो होती है वो होती है डिस्टेंस, कि जो एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, राइट, जो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप म्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है। कोवेलेंट बॉन्ड में एक चीज़ और हम आपको याद रखनी है, कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो जैसे सी सी, ठीक
सी सी राइट। तो कहने का मतलब है कि अगर एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है, ये दो तरीके के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, आपको ये याद रखना है। एक तो सिग्मा टाइप और दूसरा है पाई, ठीक है। तो सिग्मा टाइप और पाई टाइप दो तरीके के इसमें पाए जाते हैं। तो अगर एक ही बॉन्ड है तो वहां पे जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा टाइप होगा, मतलब ये जो बॉन्ड है ये कौन सा है, सिग्मा टाइप है, ये सिग्मा है। अगर दो बॉन्ड पाए जाते हैं तो उसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ये हमेशा याद रखना। और अगर तीन पाए जाते हैं तो ऊपर नीचे वाले जो होंगे वो पाई होंगे और सेंटर वाला सिग्मा होगा, ये हमेशा याद रखना। और सिग्मा बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो ऑलवेज स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड की हमेशा ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये एक शॉर्ट में आपको ये नोट याद रखना है। कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन सिंपल वे में पूछ लिया जाता है कि कितने सिग्मा हैं इसमें, कितने पाई हैं, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बॉन्ड एनर्जी देखें, क्योंकि अक्सर ये पूछ ली जाती है, क्योंकि ये सबसे मजबूत बॉन्ड है, तो कोवेलेंट जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एनर्जी 80 से, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं कि तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो 80 to 200 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब इसको अगर हम मैं किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे आपको वैल्यू किलो जूल पर मोल में मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ तक एक बेसिक हमने बात की कोवेलेंट बॉन्ड की और उसमें थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट की। कोवेलेंट बॉन्ड तभी पॉसिबल होगा जब दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है या ऑलमोस्ट इक्वल है, जब वो सेम ही एटम है। लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एक जो बॉन्ड होता है वो एक जो एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है और दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में केस वन पढ़ा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज करो ये एक एटम है एटम ए, एटम ए जो है, एटम जो ए है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लो है, और एटम जो बी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा है। तो एटम ए जो है, एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होने के कारण लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा, राइट। तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है ताकत से, तो जब चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है तो ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देता, ताकत कम है इसकी तो लूज इलेक्ट्रॉन, राइट। एटम जो बी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, लेकिन ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जब इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरा जो था इस पर कौन सा चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन जो है इनके बीच में जब इंट्रैक्शन होगा, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जब इंट्रैक्शन हुआ तो यहाँ से बॉन्ड जो बनेगा इन दोनों एटम्स के बीच में जब इंट्रैक्शन हुआ तो उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे,
आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अब आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है ये तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो जो है दोनों एटम्स की में ज़्यादा है। एक एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है तो वो इजीली लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब होता है उसकी ताकत से। दूसरा एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो लूज तो नहीं करेगा लेकिन किसी एटम से इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जब इंट्रैक्शन होगा जब बॉन्ड बनेगा तो चूंकि दोनों ही चार्ज स्पीसीज हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड फिर यहाँ से जनरेट होता है आयनिक बॉन्ड यहाँ से जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड हैं वो इस तरीके से बनते हैं। अब आयनिक बॉन्ड की अगर हम बॉन्ड एनर्जी देखें कि भाई इनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है तो 40 to 50 किलो कैलोरी इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है 40 to 50 किलो कैलोरी पर मोल जो है इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है राइट। तो इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में तो बॉन्ड एनर्जी कम है लेकिन फिर भी बॉन्ड एनर्जी जो है ये 40 से ऊपर है तो ये स्ट्रांग उसमें आते हैं इंट्रैक्शंस में। यहाँ पे आयनिक जो बॉन्ड होते हैं ये दो तरीके के एटम्स के बीच में बनेंगे। एक जो इजली इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा एटम जो इजली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। जो इजली इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस तरीके के एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है इनको हम इलेक्ट्रो नेगेटिव कहते हैं। इलेक्ट्रो नेगेटिव तो इलेक्ट्रो नेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव में आपको कंफ्यूज नहीं होना है राइट। ठीक है। अब जो है अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ कि ये जो आयनिक बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है राइट तो इसको कैसे मैं कैलकुलेट करूँगा ये कितना मजबूत है क्योंकि सारे आयनिक बॉन्ड सेम रेंज में हों ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कोई ना कोई इक्वेशंस जो है वैज्ञानिकों ने इसको स्टडी किया होगा। बिल्कुल देखिए आयनिक बॉन्ड में हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई कि आयनिक बॉन्ड में जो एटम ए है सपोज करो ये एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू है और एटम जो बी है ये एक नेगेटिव चार्ज एटम है। तो एटम ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और एटम बी जो है वो नेगेटिव है। जब ये दो चार्ज दोनों एटम के ऊपर चार्ज आ चुका है तो दोनों एक चार्ज मॉलिक्यूल की तरफ बिहेव कर रहे हैं Q1 Q2। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है राइट। एटम जो ए है ये एटम ए है। एटम ए पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम हम लेके चल रहे हैं। एटम जो बी है इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। एटम ए और एटम बी दोनों एक चार्ज मॉलिक्यूल एक चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो इनके बीच में कूलाम लॉ अप्लाई होते हैं। कूलाम लॉ में जो फोर्स होता है दो चार्ज स्पीसीज के बीच में उसका फॉर्मूला होता है ए Q1 Q2 / r² × d राइट। अब यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से इसको कूलाम इक्वेशंस बोलते हैं और कूलाम इक्वेशंस का यूज करके आप इजीली यहाँ पे आयनिक ये जो पार्टिकल्स हैं Q1 Q2 एटम ए और एटम बी इनके बीच में कितना फोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए ये तो रहा एक इक्वेशन कि आप इस तरीके से आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं क्या जो के है वो एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। कूलाम कांस्टेंट बोलते हैं के है इसको बोलते हैं कूलाम कांस्टेंट। ठीक है। अब अगर कभी क्वेश्चंस आता है तो आपको इसकी वैल्यू दी हुई होगी ठीक है या फिर वो न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा वो सीधा इक्वेशन पूछ लेगा। क्यू वन क्यू टू है ये चार्ज है
एटम्स के ऊपर कितना चार्ज आ गया है, तो ये चार्ज वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया चार्ज। जो आर है ये डिस्टेंस है, कि दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है उसको हम आर से दिखाते हैं। जो डी है वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, अब कुछ चीज़ों की डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नॉन है, मतलब सारी चीज़ों की नॉन है, लेकिन हमें जो है तीन चीज़ों का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट याद रखना है, एयर या वैक्यूम। कभी भी अगर वो एयर या वैक्यूम बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है तो उसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 1। अगर हम वाटर को एज ए मीडियम यूज कर रहे हैं तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 80। अगर बेंजीन कभी यूज हुई है, बेंजीन के अंदर अगर कभी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इस तरीके का, उसके लिए उसकी वैल्यू होती है 4। तो आपको ये वैल्यू जो है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की याद रखनी है, क्योंकि ये यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये वैल्यू एग्जाम में नहीं दी जाएंगी। अगर कभी क्वेश्चन आता है इन वैल्यूज को आपको मेमोराइज होना चाहिए। तो आयनिक बॉन्ड जो है इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि भाई चलो ये तो एक फोर्स है, इतनी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर मैं आयनिक बॉन्ड में कितनी एनर्जी है उसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे कैलकुलेट करूँगा। देखिए अगर यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरी लगेगी, वर्क एनर्जी थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी काम अगर किया जा रहा है तो वर्क डन जो है वो इक्वल टू एनर्जी होगा। इसका मतलब जो है एनर्जी जो है उसका इक्वेशन क्या बन गया, फोर्स इंटू आर। आर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस। किसी भी फोर्स को अगर हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो वो वर्क डन की अमाउंट बताता है, और वर्क डन ही एनर्जी की वैल्यू होगा। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या है कि Q1 Q2 R, सॉरी R जो है वो नीचे है, Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू डी। और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, R से R। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन आ गया कि Q1 Q2 बाई आर इंटू डी, ये सेकेंड इक्वेशन है। कि आयनिक बॉन्ड में कितनी एनर्जी होगी तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि जो एनर्जी है आयनिक बॉन्ड में वो डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि अगर आप चार्ज की वैल्यू बढ़ाते हो, Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ाते हो, तो वहाँ पे फोर्स भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और एनर्जी भी बढ़ेगी। यहाँ पे जो E है, E4 एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना कि जो वहाँ पे मैं E की बात कर रहा हूँ वो एनर्जी है। और कभी कभी वो इसको वर्क से भी पूछ लेता है कि कितना वर्क हुआ, तो एनर्जी या वर्क एक ही बात है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से हम इसको कोरिलेट करते हैं। अगर वहाँ पे डिस्टेंस को आप बढ़ा रहे हो तो उससे फोर्स जो है वो 1/r² के रेशियो में कम होगा, और जो एनर्जी है वो 1/r के इस रेशियो में कम होगी। जैसे अगर मैं फोर्स को डबल करूँ तो, सॉरी डिस्टेंस को डबल करूँ तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, जबकि एनर्जी 2 गुनी ही कम होगी, 1/2 ही हो जाएगी। अगर मैं फोर्स, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस को अटेम्प्ट करना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसके फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और सेम एनर्जी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, कम होगा। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है
इन तीन डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसके केस में आपको एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस को रिलेट होता है। डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, एक सीधा इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। मोर डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर ये कहें हाई डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। तो डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जो है हम डी से यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या ये कहें डी वैल्यू हाई है अगर, ठीक है, तो अगर ये है तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो मोर सॉल्युबल, मतलब कि मोर सॉल्युबल। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, मोर सॉल्युबल या फिर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी भी सॉल्वेंट का डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, या किसी भी मीडियम का डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा सॉल्युबल कर देगा, या फिर गुड सॉल्वेंट ये कहें उतना ही ज़्यादा गुड सॉल्वेंट होगा। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, मैं एक ही पॉइंट लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझिए, एक कंपाउंड है ए, आयनिक कंपाउंड है, राइट। तो अब इस आयनिक कंपाउंड को मैं डिजॉल्व करता हूँ, और मैं तीन चीज़ों में डिजॉल्व करता हूँ, एक तो एयर में, एक बेंजीन में, और तीसरा डिजॉल्व करता हूँ मैं वाटर में। तो जो एयर है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, 1, इसका कितना था, 4, और वाटर का कितना था, 80। तो फोर्स कहाँ पे कम लगेगा, फोर्स जो है उसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पे डी जो है उसकी वैल्यू कितनी थी, 1, इसको समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन में डी की वैल्यू क्या थी, 4, और वाटर में डी की वैल्यू क्या थी, 80। इसका मतलब फोर्स जो है यहाँ पे मैक्सिमम लगेगा, यहाँ पे मीडियम रेंज में होगा, और यहाँ पे वाटर के अंदर फोर्स जो है वो मिनिमम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कूलाम लॉ ये कहता है कि एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू जब आप बढ़ा रहे हो तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डी की वैल्यू इन तीनों केसेस में वाटर में सबसे ज़्यादा होती है, 80 है, इसीलिए यहाँ फोर्स मिनिमम है। ये जो फोर्स की बात पर हम बात कर रहे हैं, कौन सा फोर्स है, ये दोनों चार्ज मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है वो फोर्स है। अब ये चार्ज मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड ए आयनिक कंपाउंड है, और ए आयनिक कंपाउंड जो है ये दो एटम से बना है, ए बी, मान लो ये दो एटम से बना है ए बी। ठीक है, मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है ए बी, इसका मतलब इसके अंदर दो एटम है ए और बी। तो ए जो है और बी जो है इनके बीच में जो फोर्स है जो लगा हुआ है वो ये फोर्स है। जो मिनिमम किधर है, वो वाटर के अंदर आपको मिनिमम फील होगा, और एयर के अंदर मैक्सिमम फील होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे आपको वो मिनिमम फील हो रहा है तो आप इनको इजीली ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स मिनिमम है जो इनको जोड़ के रख रहा है, तो इजीली ब्रेक कर सकते हो। ये तो एक समझने वाली बात है, इजीली कैन ब्रेक। तो यहाँ पे जब इजीली ब्रेक होगा तो ये इजीली सॉल्युबल भी हो जाएगा, इजीली सॉल्युबल, क्योंकि इनके बीच का फोर्स जो है वो कम है, और फोर्स कम होने के कारण इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, और जैसे ही इसको आसानी से तोड़ दिया तो ये अब इजीली क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। दूसरा बेंजीन, बेंजीन में जो फोर्स है वो इसके कंपैरिजन में क्या हुआ है, वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पे इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता, राइट।
ये समझ में आया कि जो एटम जो मॉलिक्यूल है उसके जो दो एटम है ए और बी, ये एक Q1 की तरह बिहेव कर रहा है, ये Q2 है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो बढ़ चुका है, तो मतलब अब इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसलिए डू नॉट सॉल्युबलाइज, ये सॉल्युबलाइज नहीं हुआ। अब यहाँ यहाँ तो और भी फोर्स बढ़ गया क्योंकि डी की वैल्यू क्या है, और भी कम है, तो ये भी डू नॉट सॉल्यूबल, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे सॉल्यूबल नहीं हुआ है। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि वो फोर्स को चेंज करता है, और फोर्स को जब वो चेंज करेगा तो उससे सॉल्युबिलिटी इस तरीके से अफेक्ट होती है। ये बहुत ज़्यादा ये परेशान करता है बच्चों को, तो आपको ये थोड़ा सा समझना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सीधा ये फंडा है, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप जो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो, जब आप आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो, तो कोई भी आयनिक कंपाउंड, आप नमक घोलते हो पानी में, आपने देखा होगा नमक के डालने के तुरंत बाद या बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सॉल्ट होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर ये उठता है हमारे सामने कि वाई आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व, वाई आयनिक कंपाउंड या आयनिक मॉलिक्यूल डिजॉल्व, उनकी ये इसके पीछे जो एक मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पे हम आयनिक कंपाउंड को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि ये जो आयनिक कंपाउंड है ये डिजॉल्व क्यों हो रहे हैं, राइट। कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली जो आयनिक होते हैं वो, थोड़ा अगली स्लाइड में लेके चलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड है आयनिक मॉलिक्यूल, तो इनकी एक जो एक मैकेनिज्म है वो क्या है। तो देखिए मैं NaCl का एग्जांपल लेके चलता हूँ, राइट। तो NaCl जो होता है वो एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल जब आप किसी वाटर में इसको डिजॉल्व करोगे सॉल्युबिलिटी, और जब भी मैं सॉल्युबिलिटी पढ़ रहा हूँ तो एक बेस्ट सॉल्वेंट जो वाटर होता है, तो हम वाटर के लिए ही बात करते हैं। बार बार मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं वाटर के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं किस में सॉल्यूबल कर रहा हूँ तो वो वाटर है। जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को डिजॉल्व किया जाता है तो वहाँ पर दो एनर्जी काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एनर्जी क्या क्या है, पहली है लैटिस एंथैल्पी, पहली जो एनर्जी है वो कौन सी है, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी एंथैल्पी जो है वो एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, और दूसरी है हाइड्रेशन एंथैल्पी। दूसरी जो एंथैल्पी है वो कौन सी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट। एंड लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिस एंथैल्पी को मैं दिखा रहा हूँ डेल्टा एच एल ई, और हाइड्रेशन एंथैल्पी को दिखा रहा हूँ डेल्टा एच हाइड्रेशन, एच वाई डी। पहले इनको समझिए ये है क्या। लैटिस एंथैल्पी, जैसे एक सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है, तो उसके अंदर बहुत सारे NaCl सोडियम और क्लोराइड के एटम जो हैं वो इस तरीके से एक स्पेसिफिक एक लैटिस में, स्पेसिफिक एक सिमेट्री में लगे हुए हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको सॉल्यूबल करना है तो सबसे पहले तो उस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा, इनके बीच के जो अंदर के बॉन्ड हैं इनको तोड़ना पड़ेगा, राइट। इसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी, कि आपको क्रिस्टल आयनिक स्ट्रक्चर को, आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो एक क्रिस्टल फॉर्म है, आपको उस क्रिस्टल को पहले तोड़ना है तब जाके वो डिजॉल्व होगा। तो क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है, क्योंकि कोई भी जो क्रिस्टल है उसके अंदर इंट्रैक्शंस लगे हुए हैं, उन इंट्रैक्शन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक आयनिक क्रिस्टल,
अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, टू अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक आयनिक क्रिस्टल, कि जो भी हमारे आयनिक क्रिस्टल हैं उन आयनिक क्रिस्टल को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी चाहिए उसके अमाउंट। तो ये एक एंडोथर्मिक वो है, ये किसी भी क्रिस्टल को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो ये कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक स्टेप है, ठीक है। इसका मतलब आपको बाहर से एनर्जी देनी है, लेकिन आप जब भी कभी नमक डिजोल्व करते हो तो आपने तो बाहर से एनर्जी कभी नहीं दी, आप उसको गर्म थोड़ी करते हो, आप जैसे पानी में डालते हो वो डिजोल्व हो जाता है। तो इसका मतलब नमक का जो क्रिस्टल है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अंदर ही मौजूद है। तो अगर नमक का क्रिस्टल है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो तो लैटिस एंथैल्पी होगी, डेल्टा एच एल। जैसे ही एन ए सी एल ब्रेक होता है तो वो एन ए प्लस और सी एल माइनस में ब्रेक होता है, तो जो एन ए है इसकी जो पास वाटर जो है वो इस तरीके से इसको घेर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से इसको घेर लेते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल का जो पार्शियली नेगेटिव वाला पार्ट है, अब आप बोलोगे सर पार्शियल नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन वाला पार्ट, वो इधर की तरफ आ जाता है। क्लोराइड जो है उसको भी ऐसे ही घेर लेते हैं, क्लोराइड को भी इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेंगे, और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाला जो पार्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल का वो इसको इस तरीके से कवर कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोजन वाला पार्ट। तो किसी भी आयन के चारों तरफ जब वाटर इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं इसको कहते हैं हाइड्रेशन, राइट। और हाइड्रेशन में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, तो इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी वो रिलीज एनर्जी है जो हाइड्रेशन जब आयन इंटरेक्ट करते हैं वाटर से तब वहाँ पर रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से जब इस तरीके का हाइड्रेशन होगा तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, टूटने के बाद। तो रिली अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है, अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी, ये वो रिलीज एनर्जी का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी आफ्टर आयन वाटर इंट्रैक्शन, आयन और वाटर के इंटरेक्शन के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ये जो है ये कैसा प्रोसेस है, एक एक्जोथर्मिक स्टेप है, ये हमेशा याद रखना है, ये कैसा स्टेप है, एक्जोथर्मिक स्टेप है। अब देखिए किसी भी क्रिस्टल को डिजोल्व करने के लिए दो तरह की एनर्जी काम कर रही है, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी किसी भी क्रिस्टल को डिजोल्व करने से पहले उसको पहले तोड़ा जाना जरूरी है, तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लैटिस एंथैल्पी है। लैटिस एंथैल्पी जो है वो एक एंडोथर्मिक स्टेप है, लैटिस को तोड़ना एक एंडोथर्मिक स्टेप है, इसका मतलब लैटिस एंथैल्पी जो है वो आपको बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी है आफ्टर आयन वाटर इंटरेक्शन, जैसे ही क्रिस्टल टूटा तो आयन जो वाटर से इंटरेक्ट करेंगे, जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी कहलाती है, और ये एक एक्जोथर्मिक स्टेप है। अब यहाँ पर दो कंडीशन पॉसिबल है, इफ डेल्टा एच एल ई मतलब लैटिस जो एंथैल्पी है वो अगर ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू वॉट, डेल्टा एच एच वाई डी मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी की तुलना में अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है तो यहाँ पे डू नॉट डिजॉल्व, जो आयनिक कंपाउंड है वो डिजॉल्व नहीं होगा, डू नॉट डिजॉल्व, ये याद रखना है पहली चीज। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है स्टेप जो है उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया है तो इसलिए वो डिजोल्व नहीं हो पाता खुद से एट रूम टेम्परेचर। अगर डेल्टा एच एल ई की वैल्यू क्या है, कम है विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा एच एच वाई डी हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा,
हो जाएगा, राइट। तो ये संबंध आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब आप जो नमक है वो डिजॉल्व अगर हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है उसका अमाउंट ज़्यादा है, और वो इतना ज़्यादा है कि वो इंटरनली ही लैटिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। तो इस तरीके से आपको ये रिलेशनशिप ध्यान रखना है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो हाइड्रेशन एंथैल्पी के कंपेरिजन में। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। जब भी कोई एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई आप कंपाउंड आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व कर रहे हो तो डेल्टा जी, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई यहाँ पे आयनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनमें जब आप इनको डिजॉल्व कर रहे हो तो फ्री एनर्जी जो चेंज है वो किस तरीके का, क्या ओवरऑल क्या हो रहा है। तो देखिए सॉल्यूट जो है जब भी कभी आप इस तरीके का आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व करते हो तो सॉल्यूट की जो फ्री एनर्जी चेंज है, कोई अगर चीज़ डिजॉल्व हो रही है तो डेल्टा जी उसका नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है और वो फ्री एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है अगर ये डिजॉल्व हो गया है तो वहाँ पे जो डेल्टा जी है सॉल्वेंट की क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब सॉल्वेंट की फ्री एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है सॉल्यूट की इंक्रीज और सॉल्वेंट की क्या होगी डिक्रीज। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड जो है वो, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड को मैं सॉल्यूट मान के चल रहा हूँ, जब भी आप उसको डिजॉल्व करते हो तो वो इजीली सॉल्यूट हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, तो इसलिए इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस हो गया है। कब हुआ है, जब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है उस कंडीशन में, तो वहाँ पर डेल्टा जी नेगेटिव होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और उस कंडीशन में सॉल्वेंट की जो डेल्टा जी है वो डिक्रीज हुई है, वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर्स में हमने थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को लेके जो बेसिक चीज़ें थी वो यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं, जो वीक इंट्रैक्शंस हैं, उनको डिटेल स्टडी करूँगा। उम्मीद करता हूँ आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में आपको काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ से समझ में आई होंगी।